subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum aziz tulba talibat jamaat nahum ki pehli rubai mir anis ne jise tahreer kiya tha uske sawalat aur jawabat aur sargarmiyon ki is video mein aap tamam ka istiqbal hai. उम्मीद है आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा. अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए शुरुआत करते हैं पहली रुबाई मीर अनीस. इसके पहले अल्फाज मायने देख लेते हैं. अश्क, अश्क यानी आंसू. रिदा, रिदा यानी चादर. सावन भादो, बरसात का पहला और दूसरा महीना. चश्म आँख. फजल बारी, खुदा की मेहरबानी. फलक आसमान. नवा आवाज़. दर्ज ज़ैल खाका मुकम्मल कीजिए. शायर के मुताबिक आँख, मुँह, आँखें, बर्स. शायर के मुताबिक ये चार अल्फाज का क्या मतलब होता है उसे बयान करना है. शायर के मुताबिक आँख यानी अब्रे बहारी से लड़ी, अब्रे बहारी से लड़ी है. दूसरा मुँह अशकों की रिदा से ढका है. तीसरा आँखें सावन भादो है. चौथा बरस यानी झड़ी रहती है, पूरा बरस झड़ी रहती है. यहाँ सारे बरस एक झड़ी रहती है इस मिसरे की वजाहत कीजिए और नीचे हम मानी लफ्ज लिखिए. आँख, अश्क, सावन, रिदा, बरस. चलिए देखते हैं यहाँ सारे बरस एक झड़ी रहती है. इसका जवाब, इस मिसरे में शायर ने मुबालगा आराई से काम लेते हुए अपने चश्म पर आपका जिक्र किया है कि इसकी आंख कभी खुश्क नहीं होती, वो मुसलसिल रोए जाती है. आंसू लगातार बहते रहते हैं जिन्हें देखकर महसूस होता है कि इनकी आंखों को बरस के 12 महीनों की झड़ी लग गई है और जो थमने का नाम नहीं लेती है. ये यहाँ पर झाड़ी हो गया है, इसे दुरुस्त कर लीजिएगा, ये झड़ी. हम आने अल्फाज लिखना है. आँख, आँख यानी चश्म. दूसरा अश्क, अश्क यानी आंसू. तीसरा सावन, सावन यानी बहार, बरसात का महीना. चौथा रिदा, रिदा यानी चादर. उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक